निशांत जी बहुत सोहना प्लेयर ते सब तो बेस्ट चीज़ है लैफ्टी लैफ्टी हमेशा मैनू बहुत चंगे लगते हैं खेलते बेस्ट चीज़ बहुत रेयर होंगे सो बट वो खेल बहुत वधिया नहीं मैं कदे ईशांत तो मिलया नहीं मैं ऋषभ पंत नूं मिलया ते शुभमन तो चलो बहुत वधिया प्यार ते धोनी भाई नूं मिलया सो वो उन्हां नूं ही हुंदा कि साडे कोल जे तुसीं आए तो क्रिकेट की गल ना करो यार तुसीं कोई होर गल करो सेम गल जिवें साडे कोल आ के पुछी जावे अच्छा होर भाई आह गाणा किवें लगदा थोड़ा गाणा कदों आ थोड़ा आह कदों आ सेम आ चलो ईशान किशन के कोच जी हाँ भारतीय टीम के जो एक नई सनसनी आई है ना बिहार से झारखंड से उनके कोच ईशान किशन के कोच और अब देखिए पंजाब के शेर के मेंटोर एक तो आपने इंडिया के क्रिकेटर दिया अब इन क्रिकेटर्स को अभी तो मैं उनको क्रिकेटर्स ही कहूंगा क्योंकि ग्राउंड में जो आगे वो क्रिकेटर्स हैं तो किस तरह से इनका साथ आपकी बॉन्डिंग रहने वाली है क्योंकि अब देखिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग काफ़ी टीम मीटिंग करेंगे अभी इनके साथ अभी जेल शुरुआत है पहला दिन मैंने आए हैं मुझे बुलाए और इस सारे प्लेयर्स को देखने के लिए बोले गए हैं मतलब है ना लेट्स सी दैट और ये बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं जस्सी गिल निंजा की बात करें अच्छे क्रिकेटर भी हैं निंजा को जब देखे मैंने शॉट्स मारते हुए जब प्रैक्टिस कर रहे थे आई विल होप दैट नो दे आर वेरी द मस्कुलर एंड द स्ट्रांग दैट नो किस तरह से देखने ईशान किशन का सफर वर्ल्ड कप के बाद अभी आ गए टीम में और ये भी एक चर्चा चली कि उसको अभी अंदर बाहर है ना टीम कॉम्बिनेशन क्योंकि देखिए बीइंग अ मेंटर बीइंग अ प्रोफेशनल कोच ईशान का मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड कप हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं वर्ल्ड कप हम लोग चैंपियन नहीं हो पाए रनर्स अप हुए टीम पूरा एक साथ था जल था और ईशान के जो तीन वर्ल्ड कप में तीन मैचेस में परफॉर्म भी काफी अच्छे थे मैं समय 16 के क्रिकेट स्टेडियम में हूँ चंडीगढ़ का 16 के क्रिकेट स्टेडियम मेरे पीछे पंजाब के शेर बिनू ढिल्लो जस्सी गिल निंजा ये तमाम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनका मैच है लेकिन एक खास मेहमान कह लीजिए एक खास शख्सियत कह लीजिए वो हमारे साथ मौजूद हैं ये हैं उत्तम मजुमदार ईशान किशन के कोच जी हाँ भारतीय टीम के जो एक नई सनसनी आई है ना बिहार से झारखंड से उनके कोच उत्तम भाई आपसे पहली बात हुई थी और अब भी आप ये लोग सेलिब्रिटी हैं लेकिन एक्टर हैं क्रिकेटर हैं आपने तो ईशान को एक हीरा भारत को दिया पहले तो बड़ा आपका शुक्रिया या बहुत धन्यवाद आज मैं चंडीगढ़ में आके आपसे मुलाकात करके हम लोग तो इससे पहले बहुत बड़ा इंटरव्यू किए थे अपने घर से ही और अभी यहाँ पे आके एक सेलिब्रिटी टीम को मतलब ये लोग बहुत अच्छा मतलब मुझे लग रहा है जो है ना इस मेंटरशिप देने के लिए मतलब उन्होंने लोग बुलाए और लेट्स सी दैट नो हाउ इज इट्स गोइंग और मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक बहुत हिस्टोरिकल ग्राउंड है और आपने बताया इसके बारे में और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा, क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग आप दे रहे हो ना आपने ईशान जैसा हीरा दिया एक्टर को सिंगर्स को ट्रेनिंग देना उनकी मेंटोर करना ये आपका ये इनसे कनेक्शन बना कैसे इस टीम ने आपको अप्रोच किया कि आप आइए मेंटोर टीम ने अप्रोच किए हैं और उन्होंने बताया है सारी चीज़ें अभी काफ़ी देर तक मैं पहले से भी एक महीना से पहले ही मेरा बातचीत चल रहा था नाउ लेट्स हैव टू बी गियर अप अभी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ रहा है जो क्योंकि मार्च फरवरी में इसका टूर्नामेंट है और लेट्स फाइंड इट आउट सम द प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं क्योंकि इस बार का CCL काफ़ी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और मुझे आशा है जो क्योंकि मैं तो सारे प्रोफेशनल्स को बनाता हूं और यहां पे सारे मुझे देख के लग रहा है जो सारे खेलने वाले प्लेयर हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं हाँ जी और सारे ही प्लेयर्स मुझे थोड़ा सा वेरी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखिए कि जैसे उत्तम बता रहे थे कि जैसे निंजा अगर हम बात करें निंजा उधर बैठे हुए हैं उधर आपको बब्बल राय जस्सी गिल दिखेंगे इधर निंजा देखिए बीच में बैठे हुए हैं दूर है इट्स फ्रॉम दैट नो मुंबई और सारे टीम का जेल बहुत अच्छा है मतलब काफ़ी है अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तो टीम को एक साथ करना और उसको गियर अप करना तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है दैट इज़ मोर अच्छा एक होता है ना क्रिकेटर्स को तो पता होता है ना कि आपने पूरा एक होता है ना कि कोच वाला इनके साथ आपको लगता है कि या थोड़ा आपको सिर्फ क्योंकि इनका पूरा टाइम तो एक अलग प्रोफेशन में क्योंकि यहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा डिफरेंट माइंड सेटअप करना है क्योंकि आप देखो क्योंकि इन लोग अपना एंटरटेनमेंट के फील्ड में काफ़ी माहिर है ऑन दे आर ऑल स्टार्स और यहाँ पे क्रिकेट खेलते समय एक ऐसा फीलिंग्स होना चाहिए क्योंकि पूरा टीम बॉन्डिंग होना चाहिए टीम को एक साथ करना है क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप स्टार भी हैं क्योंकि जब आप इस तरीके से टूर्नामेंट खेल रहे हो अब ओपोनेंट के साथ उस टीम को एक साथ ग्राउंड पे लेके आना और टीम को परफॉर्म करना दैट इज़ दैट मेन द मेंटर इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ईशान किशन के कोच और अब देखिए पंजाब के शेर के मेंटोर एक तो आपने इंडिया के क्रिकेटर दिया अब इन क्रिकेटर्स को अभी तो मैं उनको क्रिकेटर्स ही कहूँगा क्योंकि ग्राउंड में जो आगे वो क्रिकेटर्स हैं तो किस तरह से इनका साथ आपकी बॉन्डिंग रहने वाली है क्योंकि अब देखिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग काफ़ी टीम मीटिंग करेंगे अभी इनके साथ अभी जेल शुरुआत है पहला दिन मैंने आए हैं मुझे बुलाएं
और ये सारे प्लेयर्स को देखने के लिए बोले गए हैं, मतलब है ना, लेट्स सी दैट। और ये बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, जस्सी गिल, निंजा की बात करें, अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं। निंजा को जब देखे मैंने शॉट्स मारते हुए जब प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड आई होप दैट नो दे हैव वेरी द मस्कुलर अंडरस्टैंड दैट नो। और मुझे, मैं डेविड वार्नर को भी पास से हम लोग बात किया, इवन आई सी दैट सेम फीलिंग, मतलब एक लेफ्ट हैंडर की जिसे जिस तरीके से होना चाहिए, बट अभी वही चीज़ है, एक चैलेंज है क्योंकि सामने, क्योंकि एक टीम को एक साथ मिलके परफॉर्म कराना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाबी सीखेंगे आप? जरूर सीखना ही पड़ेगा। कुछ आया वर्ड आजकल में नहीं? अभी तो आया, मतलब लेट्स सी, मुझे लग रहा है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा स्वागत है पंजाब च चंडीगढ़ च। ओके, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी। पाजी तो एक कॉमन वर्ड है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जब इस टीम के साथ जुड़े हैं तो मुझे लग रहा है जो कुछ ना कुछ तो वर्ड सारे सबसे सीख ही लेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ईशान किशन के कोच जो पंजाब के शेर हैं, उनके मेंटोर हैं और इस टीम को उन्होंने मेंटरिंग करनी है। इन्होंने क्रिकेटर्स तो तैयार किए, ईशान किशन जैसा बड़ा प्लेयर जो भारत को दिया, और हमने पहले भी बात की थी। अब ईशान किशन के बारे में एक तो बात कर लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं ईशान किशन का सफ़र वर्ल्ड कप के बाद अभी आगे टीमें, और ये भी एक चर्चा चली कि उसको अभी अंदर बाहर है ना टीम कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखिए, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ प्रोफेशनल कोच, ईशान का मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड कप हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, वर्ल्ड कप हम लोग चैंपियन नहीं हो पाए, रनर्स अप हुए, टीम पूरा एक साथ था, जल था, और ईशान के जो तीन वर्ल्ड कप में तीन मैचेस में परफॉर्म भी काफ़ी अच्छे थे, और अभी अभी सामने आने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए भी टीम अभी काफ़ी ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं, क्योंकि टीम का भी एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है बहुत सारे प्लेयर्स की अभी, क्योंकि इसके बाद अफगानिस्तान के साथ T20 होने वाले हैं, लेट्स फाइंड इट आउट अभी। क्योंकि ईशान के जो मैं बात बोल सकता हूँ, मैं हमेशा एक पॉजिटिव वे पे मैं बात करता हूँ, कभी भी मैं इस तरीके से नहीं बोलता हूँ जो चलो क्या हो गया, मैं इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ क्रिकेट, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, क्योंकि बट मैं बीइंग अ मेंटर एक ही काम करता हूँ, जो मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली को सपोर्ट करना। आपने ईशान से बात की होगी? एब्सोल्युटली। क्या कहना था कि इन चीज़ों में? मैं इस चीज़ में बात ही नहीं करता हूँ पाजी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर इस विषय में बात करूँगा तो उसका माइंड सेट डिफरेंट वे पे चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक गेम जो एक ऐसा चीज़ है, आप जिस टीम में जिस मैच में आप परफॉर्म, आप चांस मौका मिल रहा है, आप उसमें आपको खड़े उतरना है और उसमें परफॉर्म करना है, सो दिस इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट की थिंग। और बाकी मैंने बोला है जो प्रोसेस पे ध्यान रखो, बाकी ये सब चीज़ चलते रहता है, यू नॉट टू, क्योंकि यू आर अ चैंपियन प्लेयर, क्योंकि ऑलरेडी आपने 200 का वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने करके बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम के दैट इंडियन टीम के एक ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी, दी विल बी द मेन स्टार ऑफ दैट। बट लेकिन आपने कुछ एज ए कोच होता है ना, कि आपकी बैटिंग में आपको लगता है कि ईशान को थोड़ा सा आपने कुछ कहा कि इस तरह से बैक लिफ्ट के बारे में, या होता है कि अपने स्टांस को लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस करने, शॉर्ट सिलेक्शन को लेकर? मैंने अभी क्या बोलते हैं, हाल ही में जब हम लोग IPL के टाइम में मिले थे, और हम लोग 4 घंटा ताज में बैठे हुए थे, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले जब इंडिया साउथ अफ्रीका जब इंडिया पे आए थे, तो वहाँ पे हम लोग, मैंने उसके बैटिंग के बारे में काफ़ी सारे टिप्स दिए, और हम लोग काफ़ी सारे शैडो प्रैक्टिस भी किए थे। अच्छा। क्योंकि टाइम नहीं था, और उस टाइम ईशान ने, मैंने बोला था जो आपके पास समय नहीं है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको क्या बोले मैचों में प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर ही स्कोर 95 बनाया था, और नोकिया को उसने 3 छक्के भी मारे थे। सो मुझे लगता है जो ईशान किशन एक ऐसा प्रतिभा है, एक ऐसा प्रोडिजी है, तो मुझे लगता है जो अभी टीम इंडिया मैनेजमेंट भी समझते हैं, जो एक ऐसा विकेटकीपर बैट्समैन, क्योंकि अपना आफ्टर धोनी के बाद अभी कोई ऐसा विकेटकीपर बैट्समैन जो मेन रेगुलर करने वाला ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि KL राहुल, वी नो दैट KL राहुल इज़ अ सेकेंड विकेटकीपर, ही इज़ नॉट इन अ रेगुलर विकेटकीपर, बट अभी क्योंकि ऋषभ पंत का चोट है, अभी हम लोग देखेंगे जो, बट राइट नाउ ईशान किशन इज़ द मेन विकेटकीपर बैट्समैन है, तो अभी ये 3 फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है, अभी टेस्ट भी आ रहा है साउथ अफ्रीका, और मुझे लग रहा है इस काफ़ी चैलेंजेस है, और ईशान ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट लास्ट टेस्ट मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किए थे, और मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैचेस से प्रूव करके वो अपने आप को टीम इंडिया में ऐसा सेटल और ऐसे जगह को पक्का करेंगे, मुझे लग रहा है इंडियन टीम मैनेजमेंट ऑल्सो थिंक अबाउट हिम। सवाल T20 वर्ल्ड कप अगले साल है, ईशान का रोल और नेचुरली टीम में होगा, ऐसे कोच सबको लगता है क्या उसकी पोजीशन, लेकिन एक होता ना कि आपको क्या लग रहा है अभी ईशान का आगे रोल को किस तरह से देखना है, कि सिलेक्शन को लेके काफ़ी आपको लगता है नए नए प्लेयर भी हैं, अभी
टी20 सीरीज में भी लोगों ने परफॉर्म किया? क्योंकि देखिए मतलब अभी टीम वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा मैचेस नहीं है और हम लोग क्या हो रहे हैं अभी टीम को थोड़ा सा एक ऐसा मैचेस मिल रहे हैं क्योंकि इसी एक प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस मैच आप सोच सकते हो, मतलब क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले चार, इसके बाद तीन और एक वर्ल्ड, अब तीन मैच ही बाकी है टी, तो मुझे लग रहा है काफ़ी टीम को खड़ा करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और मुझे लग रहा है ईशान किशन ही इज़ द टी20 का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, क्योंकि ऑलरेडी हम मुंबई इंडियंस में और बाकी टी20 मैचेस में भी काफी ऑलरेडी वो प्रूव करने, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शोन दैट, क्योंकि लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 250 बनाने के बाद भी ईशान को मतलब जो बैठा है, मतलब वो बैठाने के नहीं है क्योंकि जितेश को देखना था वो कैसे कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सो दिस इज आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट कहीं लगता है ये चीजें प्लेयर को कई बार फ्रस्ट्रेट करती हैं या नहीं, एज एक मेंटल लेवल उतना ऊपर उठ चुका है? मैं एक ऐसा मेंटर हूं जो मैं उसको वो चीज को फील नहीं होने देता हूं पाजी, क्योंकि अगर वो चीज को अगर फील कराएंगे तो आगे जाके उसका क्रिकेट में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे बैरिकेड आएंगे, तो मुझे ऐसा चीज और सोच भी नहीं करना होता है। पंजाब देश से बिल्कुल जसी पाजी एक कोट लवांगा, बस एक कोट। मेरे नाल ईशान किशन दे कोच सीगे ते ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਚ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੈਫਟੀ, ਲੈਫਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖੇਡਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ, ਬਟ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਟਿਪਸ ਲਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਫਟੀ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੈਫਟੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਕੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੈਫਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਦੋਂ ਆ, ਇਟ ਸੇਮ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਪਰ ਗੁੱਡ ਆ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੋਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ CCL ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੋ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਕੇ ਕੋਚ ਔਰ ਅਭੀ ਦੇਖੀਏ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰਸ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਅਬ ਯੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਮੈਂਟੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਈਸ਼ਾਨ ਕੋ ਖੇਲਤੇ ਦੇਖਤੇ ਅੱਜ ਉਨਕੇ ਕੋਚ ਸੇ ਵੀ ਟਿਪਸ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰਸ ਹੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਂ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ ਹੋਂ, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसे हर कोई जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।